नमस्कार दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम जिस टॉपिक पे हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे थे, तो उसी का हम नेक्स्ट टॉपिक इससे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले आप हमारे चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल विजय एकेडमी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक का एक संकेतक है? वायु प्रदूषक का एक संकेतक है। तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों को देख लेते हैं। ए है साइकस, बी शैवाल, सी फ्रायोफाइट्स बायोफाइट्स और डी है लाइकेन। तो करेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट इसका आंसर जो आएगा वो आएगा लाइकेन। डी इसका करेक्ट आंसर है, लाइकेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ गीत सेठी का नाम संबंधित है? तो ठीक है, इसके चार ऑप्शन दिए गए। ए है गोल्फ, बी बिलियर्ड्स, सी टेनिस और डी दिया है क्रिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। करेक्ट इसका आंसर आएगा बी बिलियर्ड्स। बी इसका करेक्ट आंसर है बिलियर्ड्स। तो जो गीत सेठी का जो संबंध है वो है बिलियर्ड्स से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित दिए गए चार स्त्रावों में से कौन सा एक स्त्रोत ग्रंथि से कार्यवाही स्थल तक परिवहन के साधन के आधार पर अन्य तीन से भिन्न है? मतलब इनमें से कौन है जो भिन्न है, ये हमें देखना है। तो चारों ऑप्शन को देख लेते हैं हम। चार ऑप्शन है ए लार, बी स्वेद, सी पित्त और डी है इपेनी पिरन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट इसका आंसर आएगा पित्त जो है ये करेक्ट इसका आंसर होगा। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किन जीवों का भोजन उनके शरीर में ग्रहण करने से पहले ही पच जाता है? इनमें से कौन से जीवों का भोजन उनके शरीर में ग्रहण करने से पहले ही पच जाता है? तो चार ऑप्शन है, इसे हम देख लेते हैं। ए जीवाणु और प्रोटोजोआ, बी जीवाणु और कवक, सी कवक और प्रोटोजोआ और डी म्यूकर और राइजोपस। तो इसका करेक्ट इसका क्या आंसर आ जाएगा? करेक्ट इसका आंसर आएगा जीवाणु और कवक। तो करेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीवाणु और कवक। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपी भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो चार ऑप्शन दिए गए। ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी भीमा। तो करेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट इसका आंसर आएगा बी कावेरी। तो जो कावेरी ये जो नदी है ये जो निकलती है कर्नाटक के कुर्ग जिले में। कर्नाटक में एक जगह है, जैसे कि ये है कर्नाटक, तो कर्नाटक में एक जगह है कुर्ग जिला में जो ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ है वहाँ से यह निकलती है। ठीक है, प्रायद्वीपी भारत की जो कि एकमात्र नदी है जो कि बारह महीने इसमें पानी भरा रहता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन पोलियो और चिकन पॉक्स रोग उत्पन्न करता है? तो चार ऑप्शन है। ए जीवाणु, बी प्रोटोजोआ, सी शैवाल और डी दिया गया विषाणु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? विषाणु। विषाणु डी इसका करेक्ट आंसर है। तो डी का विषाणु के द्वारा क्या हो गए? पोलियो और चिकन पॉक्स रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेसोथेलियोमा कैंसर का प्रकार है जो कि किसकी भीतरी परत को नष्ट करता है? मेसोथेलियोमा एक कैंसर का प्रकार है जो कि किसकी भीतरी परत को नष्ट करता है। तो चार ऑप्शन दिए गए। ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी आमाशय, डी फेफड़ा। तो करेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट इसका आंसर आएगा फेफड़ा। डी इसका करेक्ट आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है, किसमें निहित है ये देखना है। तो चार ऑप्शन देख लेते हैं। ए मूल अधिकारों में, बी राज्य की नीति निदेशक तत्वों में, सी संविधान की प्रस्तावना में और डी संविधान के भाग 6-8 में। ठीक है, तो संविधान के भाग 8 में। तो करेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा?
करेक्ट इसका आंसर आएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व में, तो बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो चार ऑप्शन दिए गए, ए मौलिक अधिकारों के, बी मौलिक कर्तव्यों के, सी प्रस्तावना के, डी राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो करेक्ट इसका आंसर क्या आएगा? करेक्ट इसका आंसर आएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के पद रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है? तो जब भी राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो अधिकतम जो होता है वो छः माह तक उपराष्ट्रपति इस पद पर कार्य कर सकता है, और 6 माह के अंदर ही चुनाव करना अनिवार्य होता है। तो चार ऑप्शन है इसके, देख लेते हैं, ए 3 माह, बी 6 माह, सी 1 वर्ष और डी 2 वर्ष। तो करेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 6 माह, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता तो चार ऑप्शन है, ए उपराष्ट्रपति, बी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, सी भारत का महान्यायवादी और डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए चारों ऑप्शन को हम देखते तो भारत का मुख्य न्यायाधीश तो राष्ट्रपति द्वारा होता है नियुक्त, भारत का महान्यायवादी ये भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ये भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा उपराष्ट्रपति, ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल संयुक्त राष्ट्र संघ सूची का विषय है? तो चार ऑप्शन है, ए संघ, बी राज्य, सी वैश्विक और डी समवर्ती सूची। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो कौन सी सूची में आएगा ये हमें बताना है। तो इसके चार ऑप्शन थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए संघ, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? ए जनता का प्रभुत्व, बी जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, सी न्यायपालिका का प्रभुत्व, डी विधायिका का प्रभुत्व। तो करेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट इसका आंसर आएगा जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? तो चार ऑप्शन है, क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? तो चार ऑप्शन को देखते, ए सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देता है, बी सामाजिक अध्ययन इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र का एक संघ है, सी सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता है और डी ऑप्शन दिया गया, सामाजिक अध्ययन व्यक्ति तथा समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो करेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ, करेक्ट इसका आंसर आएगा नंबर सी, सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता है। तो सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपना वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं और रूबरू कराना है, खालिस्तान से रूबरू कराना। फिर से एक बार बोल देता हूँ, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं जो खालिस्तान और खालिस्तान से रूबरू कराना है। तो चार ऑप्शन दिए गए, ए आएगा प्राकृतिक राजनीतिक, बी आर्थिक प्राकृतिक, सी प्राकृतिक सामाजिक और डी सामाजिक आर्थिक। तो करेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट इसका आंसर आएगा सी प्राकृतिक सामाजिक। जैसे कि पढ़ के बता दें, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपना वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं जो सामाजिक और आर्थिक है से रूबरू कराना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर प्राकृतिक और सामाजिक है से रूबरू कराना है, प्राकृतिक होता है और सामाजिक दोनों से रूबरू कराना, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल विजय एकेडमी के साथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।